जनाब इस लेक्चर के अंदर आपको टाइप्स ऑफ मल्टी लेयर प्रसप्ट्रॉन जो डीप लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बताने जा रहा हूँ टाइप्स जो हैं वो बेसिकली कई फीचर्स की बेस पे बनती हैं और हर फीचर की बेस पे जो टाइप्स होंगे वो आपको इसमें मैं बताऊंगा ये क्यों जरूरी है जब आपने कम्युनिकेट करना होता है इन साइंटिफिक कम्युनिटी या डीप लर्निंग की कम्युनिटी या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की कम्युनिटी या एआई के अंदर आपने कम्युनिकेट करना होता है यू शुड नो सम समर्गन स क्या करते हैं आपके एक्सपर्टीज को अच्छा बनाते हैं तो आपको टाइप्स का पता होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट्स के साथ अच्छे तरीके से डील कर सकें लेट्स सी और मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं ये नहीं मेरी स्क्रीन अब टाइप्स ऑफ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन वो कितनी किस्म की टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं हम उनको यहां पे देखते हैं आपके पास बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हिडन लेयर्स जो हिडन लेयर के नंबर्स की बेस पे आपके पास टाइप है सबसे पहले हम उसको देखेंगे वो है जी आपके शेलो न्यूरल नेटवर्क यानी कि जो आपके शेलो यानी कि तंग न्यूरल नेटवर्क है यहां पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहां पर टिपिकल यूज केस मैंने बताया हुआ है इसमें सिर्फ वन हिडन लेयर होती है जब भी आप सिर्फ एक हिडन लेयर वाला न्यूरल नेटवर्क देखेंगे इसको बोलते हैं शेलो न्यूरल नेटवर्क यानी कि आप ज्यादा गहराई में नहीं जाते ऊपर ऊपर से देख लेते हैं ठीक है और इस न्यूरल नेटवर्क को शेलो न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं और वो कोई भी न्यूरल नेटवर्क जो एक ही लेयर रखता है उसे शेलो न्यूरल नेटवर्क कहा जाएगा ठीक है बेसिक पैटर्न रिकोग्नीशन के लिए यूज होता है सिंपल क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के टास्क के लिए इसे यूटिलाइज किया जाता है सेकंड वन इज कॉल्ड डीप न्यूरल नेटवर्क ऑब्वियसली जैसे नाम बताता है डीप न्यूरल नेटवर्क वो न्यूरल नेटवर्क होते हैं जिनमें मल्टीपल हिडन लेयर्स हों दो या दो से ज्यादा को भी हम डीप न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं लेकिन अगर हमारे पास दो टाइप्स है न्यूरल नेटवर्क एक शेलो है एक डीप है तो अगर शेलो पांच हिडन लेयर्स भी रखता है सो तो इट्स फाइन ये शेलो ही है एज कंपेयर टू दैट वन जिसकी हंड्रेड न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स हैं ठीक है तो कंपैरिजन की बेस पे भी आप बता देते हैं मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई छोटा बच्चा है उसकी हाइट वो छोटी ही रहनी है एज़ कम्पेयर टू द बिगर पर्सन जो एक फुल जवान हट्टा कट्ठा बंदा है जिसकी हाइट छः फुट दो इंच तीन इंच इतनी हाइट है उससे वो दूसरे वाले बंदे छोटे ही रहने सो शैलो एंड डीप न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से काम करता है डीप न्यूरल नेटवर्क बहुत ज्यादा यूज होते हैं शेलो बहुत कम यूज होते हैं कंप्लेक्स पैटर्न रिकॉग्निशन यानी कि इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन प्लस एनएलपी के टास्क के लिए डीप न्यूरल नेटवर्क यूज किए जाते हैं आपके पास अगली टाइप है जी बेस्ड ऑन द टास्क टास्क की बेस पे भी आप न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन करते हैं एक है क्लासिफिकेशन मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स या न्यूरल नेटवर्क एक है रिग्रेशन एम क्लासिफिकेशन क्या करेंगे ये आपको क्लासिफिकेशन के टास्क यानी कि डिस्क्रीट लेबल और क्लास को आउटपुट करेंगे रिग्रेशन क्या करेगा ये प्रोडिक्ट करेगा एंड अ कॉन्टिन्यूस आउटपुट तो ये आपको याद होना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन कौन से हैं रिग्रेशन के लिए कौन से हैं ऑब्वियसली आपको भी पता है कि क्लासिफिकेशन हमेशा इमेजेस की होती है टैक्स की होगी या मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह की होगी रिग्रेशन तब होगी जब हमारे पास कॉन्टीन्यूस आउटपुट होगी यानी कि रियल स्टेट की प्राइसिंग होगी स्टॉक मार्केट की फोरकास्ट होगी टेम्परेचर हो गया टाइम सीरीज का डेटा हो गया उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप रिग्रेशन मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन यहां तक क्लियर हो गया जी आपको ये दोनों की टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगी अब आगे मूव करते हैं फिर टाइप्स ऑफ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन बेस्ड ऑन एक्टिवेशन फंक्शन दैट आर यूज्ड अगर सिग्मोइड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन है तो उसमें सिग्मोइड फंक्शन यूज होगा जो मैंने पहले भी आपको बताया और ये अर्ली न्यूरल नेटवर्क एप्लीकेशन यानी कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है लेस कॉमन नाउ ड्यू टू वैनिशिंग ग्रेडियंट इशू ये हम देखेंगे कि अब आजकल सिग्मोइड एमएलपीज बहुत कम यूज होते हैं और रेलू को ज्यादा यूज किया जाता है रीजन क्या है इसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट की एक प्रॉब्लम है जो हम एक्टिवेशन फंक्शन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे और ये आपकी एक अदर असाइनमेंट है आपने देखना है कि वेनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है और हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस कितनी किस्म के होते हैं आपने देखना है कि वेनिशिंग ग्रेडियंट क्या होता है एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन आर दे ठीक है और आपने ये कमेंट सेक्शन के अंदर इसको लिखना है असाइनमेंट अलर्ट मैं यहां पे आपको दे देता हूँ फिर आगे आता है जी ना आप रेलू एम जिसका मैंने बताया कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स यानी कि यूटिलाइज रेलू एक्टिवेशन फंक्शंस और ये मॉडर्न डीप लर्निंग टास्क के लिए यूज होता है और अगर आपके सामने रेलू बहुत ज्यादा आए तो इसकी रीजन भी आपके सामने मैंने बता दिया है बिकॉज ऑफ द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम इन सिगमोइड वे आर करंटली यूजिंग रेलू लेकिन सिगमोइड भी अक्सर हम यूज करते हैं फिर अगली है बेस्ड ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी टोपोलॉजी होता है कि नेटवर्क किस तरीके का हमारे पास नजर आ रहा है उसकी बेस पे हम बताते हैं कि किस तरीके से हमारा न्यूरल नेटवर्क दिखेगा से फॉर एग्जाम्पल फीड फॉरवर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स या फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नो साइकल्स इन कनेक्शन ठीक है और ये फीड फॉरवर्ड का मतलब है सिर्फ पीछे से चलना और एंड एट दी एंड एंड पे खत्म हो जाना है मोस्ट कॉमन यूज केसेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क इंक्लूडिंग बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क ठीक है, फीड फॉरवर्ड का मतलब यह है कि जो सीधी सामने आउटपुट जाएगी फिर वापस आएगी फिर सामने जाएगी फिर वापस आएगी ठीक है फिर होता है एक यह फीड फॉरवर्ड नहीं है यह लूप्स के अंदर चलेगा और लूप्स के अंदर चलने से मुराद यह है कि आपके पास यह फीड फॉरवर्ड की एग्जांपल है यह जो आपको नजर आ रही है ठीक है यह है आरएनएन की रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यहां पे आपकी एक फीचर ऊपर जाएगा फिर इस पर काम होगा फिर ऊपर जाएगा फिर इस पर काम होगा फिर ऊपर जाएगा फिर इस पर काम होगा फिर अगला फीचर आएगा तो ये बेसिकली फीड फॉरवर्ड की तरह काम नहीं कर रहा दिस स्ट्रक्चर एंड टोपोलॉजी इज डिफरेंट हियर तो ये मकसद है टोपोलॉजी की बेस पे आपके पास दो किस्म के न्यूरल नेटवर्क हैं इस वक्त और जिसको हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स सेप्ट्रॉन एंड रिक्रन न्यूरल नेटवर्क और ये रिक्रन न्यूरल नेटवर्क टाइम सीरीज या सिक्वेंशियल डेटा जहां पर आपको मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनको आप यूटिलाइज करने के लिए यूज करते हैं इसको बोलते हैं जनाबे वाला आप फीड फॉरवर्ड एंड रिक्रंट न्यूरल नेटवर्क ले जनाब अगली स्लाइड पे चलते हैं आप अगली स्लाइड पे हमारे पास है आउटपुट लेयर फंक्शन हमारे पास कौन सा है बेस्ड ऑन द आउटपुट लेयर फंक्शन यानी कि आपकी आउटपुट लेयर के अंदर कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है उसकी बेस पे आप मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को नाम देते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट मैक्स एल एम एल पीस

आउटपुट फंक्शन की बेस पे हम कह देते हैं कि जनाबे वाला इस न्यूरल नेटवर्क का ये नाम है और इस न्यूरल नेटवर्क का ये नाम है यहां तक आपको समझ आ गई अब बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन या आपकी अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स जो है वो कौन सी टाइप्स है पहला होता है जनाब स्टैटिक्स uh, स्टैटिक एम एल पी एम एल पी स्टैटिक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या होते हैं ये कांस्टेंट आर्किटेक्चर एंड न्यूरॉन पैरामीटर्स आफ्टर ट्रेनिंग इसके रहते हैं कोई भी चेंज इतनी खास नहीं आती एंड टास्क विद कंसिस्टेंट डेटा पैटर्न वेयर अडेप्टिलिटी इज लेस क्रोशल यानी कि ये बैक प्रोपिगेशन के अंदर अडेप्टिबिलिटी इसकी बहुत कम होती है तब आप यूज करते हैं स्टेटिकल पीज दूसरे हैं डायनामिक डायनामिक में क्या होता है जब आपने चीज़ों को अडेप्ट करना हो यानी कि बैक प्रोपिगेशन बहुत ही अहम किरदार अदा करती हो वेट्स एंड बाइसिस को आपने अपडेट करना हो उसको बोलते हैं डायनामिक एमएलपीज इनको हम कहेंगे कि ये तब यूज होता है जब आपका पैटर्न डेटा के अंदर चेंज हो रहा हो देन यू एक्चुअली यूज डायनामिक एमएलपीज फिर अगली टाइप आ जाती है बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क एक होता है बेसिक एमएलपीज एक होता है कम्प्लेक्स बेसिक में सिंपल टास्क होंगे फ्यूअर लेयर्स होंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है इसकी कंप्लीट एम के अंदर कंप्लेक्स टास्क होंगे मेनी लेयर्स होंगी एंड एडवांस एप्लीकेशन लाइक ए हाई डिमेंशनल डेटा एनालिसिस एनालिस पैटर्न पैटर्निग्रेशन और लार्ज स्केल डीप लर्निंग प्रोसेसर प्रोसेसिस के लिए ये यूज किया जाता है यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो टाइप्स हैं मैं एक दफा आपको गो थ्रू करवा देता हूं आप स्क्रीन शॉट इनके ले सकते हैं इफ यू नीड दी स्लाइड्स तो यहां पे आप स्क्रीन शॉट लें पॉज करें स्क्रीन को स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आपने अब दूसरे पे आ जाते हैं बेस्ड ऑन द टास्क इसको पॉज करें और स्क्रीन शॉट ले लें ग्रेट तीसरे पे चलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन की बेस पे इसको पॉज करें और स्क्रीन शॉट ले लें ओके फोर्थ पे चलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की बेस पे इसको पॉज करें एंड स्क्रीन शॉट ले लें फिफ्थ पे चलते हैं जनाब फंक्शन की बेस पे आउटपुट लेयर फंक्शन की बेस पे इसको पॉज करें एंड स्क्रीन शॉट ले लें फिर की बेस पे चलते हैं इसको पॉज करें एंड ले लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क की बेस पे इसको पॉज करें स्क्रीन शॉट ले लें यहाँ तक जनाबे वाला आपने देखा कि हमने न्यूरल नेटवर्क की टाइप्स देखी हैं खासतौर पर मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसकी टाइप्स देखी हैं और ये टाइप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डीप लर्निंग को सीखना चाहते हैं और डीप लर्निंग के ऊपर काम करना चाहते हैं ये की टर्म्स ये टाइप्स ये जितना भी मैं आपको डीप लर्निंग का नॉलेज बेस्ट दे रहा हूँ प्लीज़ इसको ज़रूर सीखें ज़रूर पढ़ें और इस लेक्चर को बार बार देखते रहें ताकि आप कुछ अच्छा सीख सकें ठीक हो गया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें अगर आपने नहीं किया अभी तक कर दिए ओके okay.